वो जीत गई तो बहुत अच्छा है, हम महान आदमी है, कम से कम मेरे नाम में इतना दम तो है कि हमारा नाम लेकर के उनका नैया पार हो गई। जुलाना विधानसभा सीट से विनेश फोगाट की जीत भले ही भाजपा नेताओं को चुभ रही होगी, लेकिन एक भाजपा नेता इससे खुश हैं। बृजभूषण सिंह गदगद हैं। इनका मानना है कि इस जीत के पीछे उनका हाथ है। क्या है पूरी खबर, विस्तार से आपको बताएंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हार गई। सरकार बनाने की उम्मीद अब लगभग ना के बराबर है, लेकिन विनेश फोगाट ने कांग्रेस की इज्जत बचा ली। जुलाना विधानसभा सीट से विनेश फोगाट 6015 वोटों से चुनाव इन्होंने जीत दर्ज की है, यानी काफी करीबी मुकाबला था। विनेश को कुल 65,080 वोट मिले हैं। जहां बात विनेश फोगाट की होती है तो वहां चर्चा बृजभूषण सिंह की भी होने लगती है, लिहाजा इनकी जीत पर पत्रकार पहुंच गए बृजभूषण सिंह के पास, और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने इस जीत को लेकर कहा कि मैं महान आदमी हूँ, मेरा नाम ले लेकर फोगाट ने चुनाव जीता है। सुनिए, इसका मतलब हम महान आदमी हैं, अगर हमारा नाम लेकर के वो जीत गई तो बहुत अच्छा है, हम महान आदमी हैं, कम से कम मेरे नाम में इतना दम तो है कि हमारा नाम लेकर के उनका नैया पार हो गई। लेकिन नैया तो पार हो गई, लेकिन कांग्रेस को तो डुबो दिया, हुड्डा साहब तो डूब गए, प्रियंका जी तो डूब गई, राहुल बाबा का क्या होगा, वो तो जीत गई, लेकिन बड़े सपने सजोए थे हरियाणा को लेकर के, क्या हुआ, वो जहां जहां जाएगी सत्यानाश ही होगा। तो सुना आपने, बृजभूषण शरण सिंह को फोगाट की जीत का श्रेय ये खुद को दे रहे हैं और खुद को महान बता रहे हैं। खैर, विनेश फोगाट का बयान भी सुन लेते हैं कि अपनी जीत पर वो क्या कह रही हैं। ये हर उस लड़की की, हर उस महिला की लड़ाई है जो संघर्ष के रास्ते को हमेशा चुनती है। आज संघर्ष की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है, और मैं चाहती हूँ कि हमारे लोगों ने जो प्यार प्रेम दिया है, जो इस देश ने मेरे को प्यार प्रेम दिया है, उसको मैं हमेशा बना के रखूं, उनके विश्वास को हमेशा बना के रखूं। तो जुलाना सीट पर कांग्रेस की जीत हुई है। विनेश फोगाट का जीतना कांग्रेस के लिए राहत की बात है। बहरहाल, हरियाणा में कांग्रेस ने जिस तरीके से अपना प्रदर्शन किया, जिस तरीके से उनको नंबर्स मिले, उस पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट कर बताइए। और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।